हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जैसे कि यार आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि हाउ टू मेक ए यूट्यूब चैनल और उसको ग्रो कैसे करें। तो यार आज हम जो बात करेंगे ओनली यूट्यूब क्रिएट जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बारे में बात करेंगे, स्कोप के बारे में बात करेंगे, रिक्वायरमेंट्स बात करेंगे, इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, एंड सेटअप जो सबसे बड़ा चीज है कि आप YouTube चैनल एक सेटअप कैसे करें, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सारी सीट बेल्ट टाइट करके बांधें और वीडियो को छोड़ के ना जाएं। तो आपको अगर YouTube पर एक चैनल बनाना है और काफी अच्छा पैसा कमाना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो पूरा गौर से देखें और एंड तक देखें, क्यों यूट्यूब पर आए आप और अगर आते हैं तो क्या लेकर आए, ये सबसे बड़ा टॉपिक रहता है एक इंडिविजुअल के लिए जो यूट्यूब चैनल बना रहा है या बना लिया है। तो उस पर क्या कंटेंट डालें, सबसे बड़ी चीज़ होती है कंटेंट। अगर देखिए यार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं हमारे कम्युनिटी के, तो बहुत सारी बात करते हैं कंटेंट कंटेंट कंटेंट। कंटेंट क्या है? कंटेंट कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, और वो जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए, इंजॉयमेंट हो। तो इंजॉय वो कर रहा है उनके वीडियोस को और आगे प्रमोट कर रहा है। एक सेंसेबल आप कीजिए, आपका वीडियो वायरल होगा, चैनल ग्रो करेगा, आप पैसे कमाएंगे। अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं या आ चुके हैं, चैनल बना लिया है बट ग्रो नहीं कर रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो किस तरीके से आपको करें? तो जो आज का वीडियो है ओनली क्रिएशन ऑफ द यूट्यूब चैनल है कि आप एक यूट्यूब चैनल किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से उसको सेटअप करें। तो जो भी नए हैं जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, और जो आ चुके हैं उनके लिए सेटअप पार्ट है। तो आप दोनों जो भी हैं आप देखिए, वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड ज़रूर मिलेगी, आप वीडियो को एंड तक जरूर। YouTube पर स्कोप क्या है, क्यों मैं YouTube पर आऊं और क्या इस पे आके मैं कमा सकता हूं? तो फर्स्ट थिंग कि YouTube सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है पूरे वर्ल्ड में, जो कि सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, और यहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सैलरीड हैं या बिजनेस ओनर हैं या आप कोई प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि थर्ड पार्टी के लिए अपना काम करता है और पैसा उतना नहीं कमा पा रहे, तो वो अगर यहाँ पर आकर फुल्ली डेडिकेशन के साथ में अपना अगर काम करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को ज़रूर देखें। कोई भी चीज़, अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पैसा मांगता है, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपसे पैसा नहीं मांगता, ओनली मांगता है हार्डवर्क। तो अब हार्डवर्क आप कर सकते हैं तो यूट्यूब चैनल पर आए। खूब तो यार इसका इतना वाइड है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, आप इतना पैसा कमा सकते हैं अगर आप सही तरीके से पैटर्न में मेहनत करते हैं, तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप एक नॉर्मल सैलरी में रह के कभी नहीं कमा सकते। जैसा कि बात करें कि कुछ हमारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि अगर बड़े बड़े मैं नाम लूँ, अमित बढ़ाना, बीबी के वाइंस, आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल और भी बहुत सारे हैं जो कि एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे वो लोग आ चुके हैं, और मैं इनकी अर्निंग की तो बात नहीं कर सकता बिकॉज मुझे नहीं पता है कि कितना वो अर्न करते हैं, बट हाँ ये जो अर्न करते हैं मोर देन 10 लाख इन ए मंथ इनके पास आता होगा। तो आप अगर सोच सकते हैं, अगर आप एक नॉर्मल कंटेंट भी बनाते हैं तो आप एक सैलरी से ज़्यादा यहाँ पर कमा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी ऑडियंस ग्रो करेगी, आपकी अर्निंग भी उस तरीके से ग्रो करती रहेगी, आप उतना पैसा कमाते रहेंगे। और ये कोई ये नहीं है कि यार एक दो महीने का बिजनेस है, ये लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। अगर आप इसको अपना बुढ़ापे तक भी चलाते हैं ना, तो आपका जो आज वीडियो बनाया है आपने, आज वीडियो बनाया है वो आपको आने वाले सालों में पता नहीं कितनी अर्निंग देके जाएगा, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल कर जाएगा सारी। तो स्कोप तो है इसका बहुत ही वाइड, अगर आप करते हैं और YouTube पर आते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग इनकम कमा सकते हैं YouTube से।
अब बात करते हैं कि यार रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एक YouTube चैनल बनाने के लिए और चलाने के लिए। अब देखो यार YouTube को बनाने के जो YouTube चैनल है उसको बनाने के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक जस्ट सिंपल सी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको Google प्रोवाइड कराता है वो आपकी है Gmail ID। ID से आप अपना YouTube चैनल बना सकते हैं और अपना अर्निंग मीन्स मेहनत करने के बाद यार अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और पहली रिक्वायरमेंट तो होगी Gmail। सेकेंड रिक्वायरमेंट है एक फ़ोन जिसमें आप एडिट कर सकें, वीडियोज़ को एडिट कर सकें। तो बात फ़ोन एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन आजकल सबके पास है यार। एक छोटे से छोटा 6th क्लास का बच्चा भी आपका एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है। अगर थोड़े लेवल पे जाके बात करें तो 12th क्लास का बच्चा एप्पल या उससे अच्छा कैटेगरी का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर एडिटिंग वो कर सकता है। सेकेंड हो गया हमारा फ़ोन। थर्ड ऑप्शन एक सॉफ्टवेयर जिसपे आप वीडियोस को एडिट करेंगे। तो यार देखो प्ले स्टोर पे ना जाओ और वीडियो एडिटिंग लिखो तो इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं आपके पास कि आप किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप उनको यूज़ कर सकते हैं और जब तक चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है उसको लेना चाहते हैं तो आपको माना कि यार थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करके आपको लाखों की इनकम होती है तो 1000 बुरे नहीं हैं, आप कर सकते हैं। बाकी मैं ऑप्शन के जो थर्ड ऑप्शन है इसके लिए कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। जैसे कैन मास्टर है, एम मूवी मेकर है और बहुत सारे हैं, फिल्मोरा भी आते मीन्स अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो फिल्मोरा है, मूवावी है, ओपन शूट है, मीन्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल पे जाते हैं तो बहुत ही सारे हैं, बट कुछ कैटेगरीज के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है तो आप आई बटन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ पर जाएं और उन वीडियोस को देखें तो आपको बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का भी पता लग जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट समझिए, 3 रिक्वायरमेंट्स है बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि आजकल सबके पास अवेलेबल हैं, जो कि नॉर्मली हर इंडिविजुअल अपनी पॉकेट में कैरी करता है। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। यार इक्विपमेंट्स में आपको कुछ नहीं चाहिए। पहला जो इक्विपमेंट्स है वो आपका फ़ोन है। आप एक फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस फ़ोन से ही एडिट कर सकते हैं और उसी फ़ोन से आप वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो है माइक। आपके लिए एक माइक होना चाहिए जो कि आपकी साउंड क्लियरिटी के लिए काम करेगा। अगर कोई वीडियो बनाते हैं और साउंड क्लियरिटी आपकी नहीं है तो आपका वीडियो जो बनेगा वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनेगा, जो आपकी ऑडियंस है वो उसे देखना पसंद नहीं करेगी। जो तीसरे नंबर की चीज़ है वो है ट्राइपॉड। अब देखो यार हाथ से पकड़ के अगर मैं बोलूं कि यार हाथ से पकड़ के रिकॉर्ड कर लेना तो एक सेंसेबल बात नहीं होगी यार। 5-10 मिनट तक तो हाथ रख सकता है, उसके बाद दर्द करने लग जाता है, तो कंधा दर्द करेगा, कहीं कुछ दर्द करेगा। तो इसलिए मैं सजेशन दूंगा एक ट्राईपॉड जो कि मार्केट में यार 500-600 रुपये का मिल जाता है और अच्छा खासा मिल जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि यार क्वालिटी खराब होगी। एक नॉर्मल स्टार्टअप के लिए, अपना जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए आप एक ट्राइपॉड खरीद लें और उसमें फ़ोन को लगाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको तीनों चीज़ें आपके पास हैं, फ़ोन आपके पास है, माइक आपके पास है एंड देन ट्राइपॉड, आप रख के अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और नॉर्मल फ़ोन से भी आप बहुत अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपके पास मस्त क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है तो आप एक नॉर्मल से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से भी बहुत अच्छी क्लिप बना सकते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। अब आ जाती है बात यार YouTube सेटअप की। तो YouTube सेटअप के लिए मैं आपको बोलूँगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से YouTube को सेटअप किया जाता है। बट सेटअप करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है टेक्नोलॉजी यहाँ पर कि जिससे आप ना कर सकें। ये छोटे से नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। देखो पहला YouTube का नेम क्या होना चाहिए, जो आपने चैनल बनाया है उस YouTube चैनल का नाम क्या होना चाहिए। दूसरा उसका बैनर क्या होना चाहिए। तीसरा उसका लोगो कैसा होना चाहिए ताकि यार आप काम करोगे तो लोगों को ब्रांड जो आप बनाना चाहते हो वो पता तो रहना चाहिए कि यार इस बंदे का है ये, है ना। होना चाहिए ना। तो वो यूट्यूब आइकन कैसे बनाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में आपको सारा चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ये बन गया, सेकेंड यूट्यूब जो चैनल है उसको कस्टमाइजेशन मैं इसके बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ।
तो आप उस इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखें। अगर पहले वो वाला वीडियो देखा है तो उसमें लिंक इस वीडियो का भी है और इस वाले वीडियो में उसका लिंक है, तो आप जरूर जाके देखें। और अपना अगर YouTube चैनल बना लिया है या बनाने जा रहे हैं तो मेरे इस वीडियो सीरीज को फॉलो करें ताकि आप पूरा वीडियो देखकर अपना YouTube चैनल सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि YouTube चैनल सेटअप कैसे किया जाएगा और क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे कि आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं। और जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है और 1000 सब्सक्राइबर आपको होने चाहिए, आप विद इन अ वीक कंप्लीट कर सकते हैं, विद इन अ मंथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे जो वीडियो अपडेट्स हैं आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू।